हेलो एवरीवन तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास टेंथ का चैप्टर नंबर टू नैंसन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बेसिकली आपने इनका नाम सुना है तो आपको इनके बारे में कुछ तो पता ही होगा नैनसन मंडेला कौन थे ही वॉज दी फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका तो साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट नैनसन मंडेला थे और ये जो हम आज पूरी स्टोरी और इनके बारे में पढ़ेंगे वो जनरली एक एक्स्ट्रैक्ट है उनकी एक रियल बुक उनकी एक ऑटोबायोग्राफी से जो कि है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम क्यों बोला गया है इसे लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बिकॉज जो फ्रीडम उन्हें चाहिए थी द मेन डेस्टिनेशन ऑफ नैन्सन मंडेला वॉज फ्रीडम फ्रीडम ऑफ गेटिंग नो डिस्क्रिमिनेशन वहाँ पर रेस और कलर के बेस पे काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन था और इसको एक सिस्टम के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है जो मैं आपको अभी बताऊंगी तो ये उस बुक का एक एक्सट्रैक्ट है जो 1994 में पब्लिश हुई थी तो हम कह सकते हैं लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज एन ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट नेंसन मंडेला एंड वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन नाइनटीन और इस बुक में उन्होंने सारी चीज़ें एकदम रियल बताई हैं ये कोई इमेजनरी सिचुएशन नहीं है ये रियल स्ट्रगल है उस टाइम के लोगों का और स्पेशली नैसन मंडेरा का अब हम चैप्टर को बिगिन करते हैं तो चैप्टर को बिगिन करने से पहले आपकी एन में फर्स्ट स्लाइड में दिया हुआ है बिफोर यू रीड मतलब आप चैप्टर को रीड करें उससे पहले आपको ये बेसिक इन्फॉर्मेशन इंट्रोडक्शन दिया गया है जो आपको पता होना चाहिए उसके बाद हम पढ़ेंगे नैसन मंडेरा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम तो यहाँ बताया गया है एपिथेट इज़ अ पोलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस जैसे कि आपको पता है कि पहले के टाइम पे रेस रेशियल सिस्टम था जिसमें कि उनके कलर उनके रेस और वो कहाँ से बिलोंग करते हैं इस चीज़ के बेस पे उनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था तो ये होता भी कहाँ था जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं साउथ अफ्रीका की नेक्स्ट पॉइंट हमें हाईलाइट कर रहा है कि हैव यू हर्ड ऑफ नैंसन मंडेला मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस क्या आपने इन सब के बारे में सुना है स्पेंड अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट एपिथेट मतलब उन्होंने अपनी लाइफ टाइम स्पेंड कर दी इस एपिथेट सिस्टम को हटाने के लिए अपनी एक पार्टी के साथ जो की थी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस मंडेला हैड टू स्पेंड थर्टी ईयर्स इन प्रिजन वो थर्टी ईयर्स प्रिजन में स्पेंड करके आए आप इमेजिन भी नहीं कर सकते वो स्ट्रगल कितना बड़ा स्ट्रगल होता है आप दस मिनट किसी कमरे में बंद नहीं रह सकते हो किसी एक चीज़ को पाने के लिए क्या आप अपने गोल्स को अचीव करने के लिए पूरा पूरा दिन पढ़ते हो नहीं हो नहीं पाता तो सोचो उनके लिए कितनी बड़ी बात होगी कि वो थर्टी ईयर्स अपने एक प्रिजन में स्पेंड किए जस्ट बिकॉज ऑफ गेटिंग हिज अल्टीमेट गोल फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994, 1994 में डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ न्यू नेशन न्यू नेशन क्यों बोला गया है क्योंकि अब यहाँ पर सब कुछ नया था पुरानी चीज़ें नहीं थीं और जो लोगों के मन में एक डर था एक भेदभाव की भावना थी वो भी अब नहीं रही इसीलिए इसको न्यू नेशन कहा गया है यहाँ पर इस पॉइंट में साफ साफ क्लियर कर दिया गया है कि ये एक एक्सट्रैक्ट है उनकी ऑटोबायोग्राफी से आपको पता होगा ऑटोबायोग्राफी क्या होती है ऑटो मीन्स सेल्फ बायो मीन्स अबाउट लाइफ एंड ग्राफी मीन्स अ पीस ऑफ राइटिंग तो एक राइटिंग का पीस जो उन्होंने खुद लिखा था उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं तो ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम मंडेला स्पीक्स अबाउट अस्टोरिक ओकेजन द इनोग्रेशन अब यहाँ पर एक इनोग्रेशन की बात हो रही है कैन यू गेस वट द ओकेजन माइट बी टेंथ में 1994 में बीबीसी न्यूज़ में एक आर्टिकल दिया हुआ है हमें जिससे कि हमें पता लगाना है जानना है कि वो किस बारे में है और हमारा जो डाउट्स हैं वो और क्लियर होंगे मंडेला बिकम्स साउथ अफ्रीकाज़ फ़र्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट तो ये जो हेडिंग है वो क्या है ये बीबीसी न्यूज़ का एक आर्टिकल है नैनसन मंडेला हैज़ बिकेम्स साउथ अफ्रीकाज़ फ़र्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन थ्री सेंचुरीज़ ऑफ वाइट रूल तीन सेंचुरीज़ के वाइट रूल के बाद वो जाकर कहीं अपना रूल अप कर पाए हैं ब्लैक प्रेसिडेंट बने हैं साउथ अफ्रीका के वो भी फर्स्ट टाइम मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ए पार्टी वॉन टू ऑफ द 400 सीट्स इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस ऑफ साउथ अफ्रीकाज हिस्ट्री साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में पहली बार उन्होंने अच्छे खासे वोटों से अपनी जगह बनाई है जैसा कि हम जानते हैं साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में पहली बार डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए थे और काफ़ी अच्छे वोट से नैसन मंडेला ने अपने प्लेस को अचीव किया यहाँ पे बताया गया है द इनाग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग्स एम्फी थिएटर्स इन प्रिटोरिया टुडे अटेंडेड बाई पॉलिटिशियंस एंड डिग्नेटरीज फ्राम मोर दैन वन फोटी कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड पूरे वर्ल्ड से बहुत सारे लोग आए थे वहाँ यूनियन बिल्डिंग एम्फी में इसका अरेंजमेंट हुआ था एम्फी थिएटर्स भी स्टेडियम्स की तरह प्लेसेस होते हैं जहाँ पर जैसे आपने मैच के टाइम पे देखा होगा कि कितने बड़े स्टेडियम्स में मैच खेला जाता है बीच में मैच और ऊपर की तरफ लोग बैठे होते हैं सिमिलरली दिस एम्फी थिएटर ऑल्सो वॉज रिप्रेजेंटेड एंड एफरीबडी वॉज सो हैप्पी फॉर नैन्सन मंडेला बिकॉज ही बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका अब फर्दर लाइन्स में हमें बताया गया है नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटिफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ द वन बाय अनादर सैड नैनसन मंडेला इन हिस एड्रेस मतलब कि उन्होंने अपने जो स्पीच था उसमें बताया कि अब कभी भी ऐसा नहीं होगा इस ब्यूटीफुल लैंड पे कभी भी वो डिस्क्रिमिनेशन या ऑपरेशन मतलब जो भेदभाव था वो दोबारा एक दूसरे को एक दूसरे के द्वारा सहना नहीं पड़ेगा ये नैनसन मंडेला ने अपनी स्पीच में एड्रेस किया उसके बाद आप देख रहे हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में हर चीज़ ऐसी नहीं होती है आर्टिकल में भी जो आपको बताई जाए तो इसीलिए डॉट 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 करके बोला गया है जुबलैंड सीन्स ऑन दी स्ट्रीट्स ऑफ द पिक्टोरिया फॉलोड द सेरेमनी विध ब्लैक्स व्हाइट्स एंड कलर्ड सेलिब्रेटिंग टुगेदर इसका ये मतलब है कि वहाँ के लैंड पे वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुशी का सीन था स्ट्रीट्स में पेटोरिया की जो सेरेमनी थी वो हो रही थी वहाँ पे ब्लैक्स भी थे वहाँ वाइट भी थे और कलर्ड पीपल भी थे जैसे कि हम लोग मतलब कि जो बहुत ज़्यादा गोरे भी नहीं हैं और जो बहुत ज़्यादा काले भी नहीं हैं मोर देन वन लैक साउथ अफ्रीकन मैन वुमेन एंड चिल्ड्रेन ऑफ द रेसिस सेंग एंड डेंस विद जॉय और वहाँ पर एक लाख से ज़्यादा अफ्रीकन लोगों ने मतलब जिसमें मैन भी थे वुमेन भी थी चिल्ड्रन भी थे और उन्होंने गाया और डांस किया बहुत खुशी के साथ और इसी के साथ जो इंट्रोडक्शन पार्ट था लेसन का वो खत्म होता है